बंगाल में अटका मानसून, बिहार में गर्मी का कहर जारी रहने का पूर्वानुमान। बिहार में मानसून आने में देरी हो रही है और साथ ही एक बार फिर से राज्य में तेज गर्मी पड़ने का अनुमान है। अगले 48 घंटों में उत्तरी और पूर्वी बिहार में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी बिहार के लगभग सभी जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण की स्थिति के कारण गर्मी और लू की वापसी की आशंका है। इस वजह से मौसमी परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। विशेष रूप से पश्चिमी बिहार के कई हिस्सों में लू चलने का खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में मॉनसून तो आ चुका है, लेकिन वह फिलहाल एक ही स्थान पर रुका हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे राज्य में नमी युक्त पछुआ और पूर्वैया हवाएं चल रही है, जिसके कारण मॉनसून पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में ही अटका हुआ है। जब तक राज्य में तेज पूर्वैया हवाएं नहीं चलती, तब तक मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पिछले करीब एक हफ्ते से बिहार के पूर्व में करीब 27 से 30 किलोमीटर दूर इस्लामपुर में रुका हुआ है। कुल मिलाकर मॉनसून को आगे बढ़ने के लिए अभी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद नहीं है। बिहार में मॉनसून आने की भारतीय मौसम विभाग द्वारा निर्धारित तिथि 10 से 12 जून के बीच है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मॉनसून के आने में देरी होने की संभावना है। दक्षिणी बिहार में पहले से ही लू जैसी स्थिति बनी हुई है। डेहरी में राज्य का सबसे अधिक तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा गया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल और रोहतास के विक्रमगंज सहित कई जिलों में 43 डिग्री या उससे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। राज्य के कुल 18 स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब तक मानसून बिहार नहीं पहुंचता है, तब तक राज्य में प्रचंड गर्मी पड़ने की आशंका बनी हुई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि उत्तर बिहार में अगले 12 से 24 घंटों के बाद हल्की बारिश होने का अनुमान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया गया है कि 12 जून के बाद उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।